नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन आज से शुरू। देखिए रायबरेली से हमारे संवाददाता देवी प्रकाश की एक खास रिपोर्ट। 18 जिलों की 88 तहसीलों 212 ब्लॉक में होगा नामांकन। ग्राम प्रधान के 14,779, जिला पंचायत सदस्य 769, क्षेत्र पंचायत सदस्य 19,313, ग्राम पंचायत सदस्य 18,65,063 पदों के लिए होगा नामांकन। 2 दिन में पूरी होनी है सभी पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया। बछावा ब्लॉक में उम्मीदवारों ने चिलचिलाती धूप में किया नामांकन। नामांकन के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का नहीं किया गया कोई पालन, अधिकतर लोग दिखे बगैर मास्क। चोर रास्ते के गाइड बने ड्राइवर, ट्रेन यात्रियों को दिखा रहे राह। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल सिंह रावत की एक खास रिपोर्ट। यूपी प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन के चोर रास्तों से बिना जांच के यात्रियों को बाहर निकालने का काम अब बाहर खड़े सवारी वाहन के ड्राइवर कर रहे हैं। ये लोग ट्रेन आने के वक्त बिना किसी संकोच के बेधड़क प्लेटफॉर्म पर दाखिल होते हैं, यात्रियों को चोर रास्ते से बाहर निकाल कर अपने वाहनों पर बैठा कर छोड़ते हैं। शनिवार को पद्मावत एक्सप्रेस आई तो स्टेशन पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसको वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो सुर्खियों में है। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच स्टेशन के मेन गेट पर होती है, बिना जांच के यात्री बाहर न जा पाए, इसके लिए सभी रास्तों को बंद कर पुलिस लगाई है। इसके बाद भी यात्री चोर रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कार्य में अभी तक कूली मदद करते थे, जब से RPF और GRPF फटकार लगाई है तब से वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनकी जगह अब यही काम सवारी के इंतजार में बाहर खड़े टेम्पो और ई रिक्शा चालक कर रहे हैं। कुछ इतने निडर हैं कि इनको पुलिस की परवाह भी नहीं है। वे बिंदास स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं, यात्रियों को मेन गेट की बजाय चोर गेट से बाहर लेकर आते हैं। इसके लिए इन्होंने पार्सल और दिव्यांग गेट को चुना है। हालांकि दिव्यांग गेट को बंद कर दिया गया है, लेकिन यात्री वाहन चालकों के सपोर्ट से इस रास्ते से कूद फांद कर निकल जाते हैं। GRP प्रभारी राधेश्याम सिंह का कहना है कि पुलिस लगी रहती है पार्सल और दिव्यांग गेट से बाहर जाने वाले यात्रियों और उनको ले जाने वाले चालकों पर विशेष निगाह रखने को ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों से कहा गया है। भरी दोपहर में गांव की गलियां गुलजार। देखिए गोसाईगंज से ये खास खबर। पंचायत चुनाव ने गांव में घरों की रौनक बढ़ा दी है। संभावित दावेदार गांव में लोगों के घर दस्तक देकर समर्थन जुटाने की आजमाइश में जुटे हैं। चुनाव में समर्थन जुटाने की जोर आजमाइश में जुटे समर्थकों की सुबह से देर रात तक चल रही चहलकदमी गाँव को सुनसान गलियों और मोहल्ले की रौनक बढ़ा रही है। विजयश्री का आशीर्वाद लेने की प्रतिस्पर्धा में मंदिर और देवालयों की चौखट पर माथा टेकने वालों की तादाद बढ़ गई है। अग्नि परीक्षा की इस घड़ी में गोसाईगंज के वार्ड नंबर 24 से निर्दलीय प्रत्याशी विजय बहादुर यादव अपने समर्थकों के साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके समर्थकों के जनसंपर्क से भरी दोपहर में गांव की गलियां गुलजार हो रही हैं। 5 एकड़ की गेहूं की कड़ी फसल जलकर खाक। देखिए सलोन से हमारे संवाददाता कपिल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। सलोन आगजनी मामलों में 5 एकड़ की गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई, जिससे लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को दोपहर में मानिकपुर रोड के बगल सलोन देहात में किसान के खेत में अचानक आग लग गई, जिससे करीब 5 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से लाखों रुपए की फसल जल कर राख हो गई। खास बात यह रही कि आज पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन करने आए प्रत्याशियों ने आग की लपट को देखते हुए भाग खड़े हुए, जिससे कि आग पर काबू पा लिया गया है। सभी लोग आग बुझाने में लग गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड गाड़ी ने ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाते हुए इसे आगे बढ़ने से रोक दिया। आग लगने के कारणों का पुख्ता खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन आग लगने की वजह एक लड़के को बताया जा रहा है। कोरोना से रहे सतर्क, प्रतिरोधक क्षमता पर दे ध्यान। देखिए अमेठी से हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी की एक खास रिपोर्ट। 3 मार्च 2021 जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि कोरोना से बचाव हेतु अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर रक्त पुष्टता से ग्रस्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जब शरीर पहले से ही किसी अन्य संक्रमण जनित रोग से जूझ रहा हो या संक्रमण शरीर के स्वस्थ हिस्से और रक्त को भी क्षति पहुंचाता है, जो रोगी के स्वस्थ होने में बाधक है। उन्होंने बताया कि नवजात शिशुओं, बच्चों, गर्भवतियों, बुजुर्गों, किसी संक्रमण से संक्रमित, एड्स या HIV पॉजिटिव, कैंसर, लीवर, सिरोसिस, मधुमेह, गुर्दा या लीहा संबंधित रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को मौजूदा कोरोना संक्रमण के दौर में इसकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ा रही हैं। उन्होंने बताया कि रोग हो जाने पर उसका इलाज करवाने से अच्छा है कि रोग को शरीर में पनपने न दे। कोरोना ने वैसे भी समुदाय को स्वास्थ्य के प्रति पहले की अपेक्षा ज्यादा जागरूक कर दिया है, इसलिए अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखकर संक्रमित होने से बचे, दूषित पानी और उससे बने भोजन से बचे, भोजन की गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए विटामिन सी युक्त आहार ले और पर्याप्त जल पिए।
खुद को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज की शारीरिक दूरी का ध्यान रखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।